वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्रोटीन्स। क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 बायो मॉलिक्यूल्स में सेकेंड टॉपिक है प्रोटीन्स। इससे पहले के वीडियोस में मैंने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में हम प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड प्रोटीन एक बायो मॉलिक्यूल है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो इट मींस वो स्मॉलर सब यूनिट से बनता है, छोटी मोनोमेरिक यूनिट्स दैट इज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर, टाइप्स और डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट, प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। इट मीन्स जो प्रोटीन है वो लार्ज है बिकॉज वो बहुत सिंपल छोटी यूनिट से बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स है बिकॉज जो सिंपल यूनिट्स है वो बहुत सारी हैं, डिफरेंट टाइप्स की है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है एंड इट इज अ बायो मॉलिक्यूल ऑल्सो। बायो मॉलिक्यूल है तो उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा? सेम एज कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा जो कार्बोहाइड्रेट में नहीं है और प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट से जो डिफरेंट बनाता है वो होता है नाइट्रोजन और समटाइम्स बहुत रेयर केसेस में सल्फर एंड फॉस्फोरस भी एड हो जाता है। तो इट मीन्स प्रोटीन एक ऐसा बायो मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है। Then proteins are heteropolymer. Proteins are polymer made up of simple monomeric units. जो simple monomeric units हैं वो hetero in nature. Hetero means different types की है, different types. इससे पहले हमने carbohydrates में पढ़ा था, carbohydrates की basic units क्या होती हैं? Monosaccharides, simple sugars, वो same type की थी। लेकिन यहाँ प्रोटीन्स में जो इसकी यूनिट्स है मोनोमेरिक यूनिट्स वो डिफरेंट टाइप्स की होगी। मोनोमेरिक यूनिट्स क्या है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, प्रोटीन्स को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। व्हाई? बिकॉज जो हमारे सेल्स होते हैं, कोई भी तरीके का सेल ले लो, सेल का जो भी लिक्विड पार्ट है, वॉटर पार्ट को आउट करने के बाद क्या बचता है? ड्राई पार्ट, सूखा जो पार्ट है, ड्राई पार्ट का जो वेट है वो मैक्सिमम वेट प्रोटीन्स का होता है। जो सेल का ड्राई वेट होता है 60% उसमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। इसीलिए प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो लिविंग स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से सही से नहीं बनेगा। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैज मैनी फंक्शंस। प्रोटीन्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में हेड से स्टार्ट करें, हेयर्स में प्रोटीन है, स्किन में प्रोटीन है और हमारे बहुत से जितने सेल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ तो इट मीन्स जो हमारे सेल्स है, बेसिक यूनिट्स है, उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट है। और इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन हैं तो उसके फंक्शंस भी बहुत डिफरेंट होंगे। अगर हम फूड आइटम्स की बात करें तो एग्स में प्रोटीन होता है, पल्सेस दाल में प्रोटीन होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है और यही सब फूड आइटम्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो हम प्रोटीन लेते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत है, नीड है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस इन सेल। ये क्या है? बहुत पहले जब प्रोटीन डिस्कवर हो रहा था, जब तक हम उस समय की बात कर रहे हैं जब प्रोटीन्स के बारे में कोई नहीं जानता था, तो उस समय एक मडलर नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? मडलर। इन्होंने क्या किया, ये कुछ केमिकल एनालिसिस कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने जो रिसर्च करी वो रिसर्च के बाद एक सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। किस पर रिसर्च कर रहे थे? सेल के ऊपर। सेल पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने बोला कि सेल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, सब्सटेंस में ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है। मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला एक सेल के अंदर उनको एक चीज मिली है, एक सब्सटेंस मिला है। वो कैसा है सब्सटेंस? कॉम्प्लेक्स है, देन ऑर्गेनिक है, उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, देन उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। अब वो कंफ्यूज हो गए कि ये मैंने सब्सटेंस तो डिस्कवर कर लिया है लेकिन मैं इसको क्या बोलूं,
तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला मडलर को कि आप एक काम करो, जो आपने इतनी बड़ी डेफिनेशन दी है, जो आपने सब्सटेंस डिस्कवर किया है, उसको नाम दे दो प्रोटीन। तो वो कौन थे जिन्होंने बोला कि ये सब्सटेंस को प्रोटीन बोल दो? वो थे बर्जीलियस। बर्जीलियस। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन को डिस्कवर किसने किया था, तो प्रोटीन की डिस्कवरी में मडलर का आंसर नहीं होगा, मडलर आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बर्जीलियस। बिकॉज इन्होंने डिस्कवर किया बट इन्होंने नाम नहीं दिया कि इन्होंने क्या ढूंढा है। जो नाम दिया था बर्जीलियस ने इनको सजेस्ट किया था कि आप इस सब्सटेंस का नाम क्या दे दो, प्रोटीन का। तो प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल मीन्स हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, जैसे जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक एक्सपेरिमेंट था केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में हमने क्या किया, एक लिविंग टिश्यू को लिया, क्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद उसको फिल्टर किया, उसमें बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो एसिड में डिजोल्व होके फिल्टरेट पार्ट में आ गए, और बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो डिजोल्व नहीं हुए और वो ऊपर रेटिनेट पार्ट में रह गए। तो जो भी रेटिनेट पार्ट में रह गए थे वो बीकर में, एक फनल जब यूज किया था, तो ये जो रह गए थे बायो मॉलिक्यूल्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या था? इनका मॉलिक्यूलर वेट था 10,000 डेल्टन से ज्यादा, और उन बायो मॉलिक्यूल्स में से एक बायो मॉलिक्यूल क्या था, प्रोटीन। तो इट मींस प्रोटीन बायो माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, प्रोटीन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसका वेट मोर देन 10,000 डेल्टन है। प्रोटीन्स के साथ में और कौन से बायो मॉलिक्यूल्स थे जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा था? कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का ऐसा पार्ट था जो ऊपर रेटिनेट पार्ट में आया था, उसको भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहा था, लिपिड्स को कहा था और न्यूक्लिक एसिड्स को कहा था। तो प्रोटीन एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब ये हो गया इतना पार्ट, अब बात करते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि प्रोटीन की एक स्ट्रक्चरल डेफिनेशन पढ़ते। स्ट्रक्चरल डेफिनेशन मीन्स ये डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है। प्रोटीन्स आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड प्रोटीन की बेसिक यूनिट है, सबसे सिंपल यूनिट से अमाइनो एसिड्स, जो आपस में चेन बनाती है। क्या बनाती है? चेन, लीनियर चेन बनाती है, और बनाने के बाद क्या बन जाता है? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड की लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन्स। तो इतना क्लियर हो गया कि प्रोटीन्स किससे बने हुए हैं? अमाइनो एसिड से बने। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने थे? सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड से बने थे। अब बात करते हैं जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स में प्रेजेंट हैं, दीज अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय बॉन्ड। अगर हम बात करें कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये रहा अमाइनो एसिड्स की चेन बन गई, ये प्रोटीन बोल दिया। क्या ये अमाइनो एसिड्स एज इट इज पड़े रहते हैं? नहीं, ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था सिंपल शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइन होती है, सेम प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। किससे? पेप्टाइड बॉन्ड। पी से याद कर सकते हो, पी से प्रोटीन, पी से पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है? ग्लाइकोसिडिक। ग्लूकोज से याद कर लो, कार्बोहाइड्रेट का मेन हो गया ग्लूकोज से जी एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो अमाइनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है और अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करके एक प्रोटीन बना देता है। अब प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड्स की हमने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट में, स्टार्च की बात करें तो उसमें ग्लूकोज 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 ही मोनोमेरिक यूनिट्स थी, पूरी चेन में ग्लूकोज था। लेकिन प्रोटीन्स में ऐसा नहीं है, प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की चेन तो है बट हर अमाइनो एसिड डिफरेंट है। जब हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अमाइनो एसिड कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। प्रोटीन जो अमाइनो एसिड से बने हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसीलिए प्रोटीन को एक और टर्म बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर। जो मैंने यहां पर भी बताया था, प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है। इट इज जस्ट बिकॉज जो हेटेरो है वो डिफरेंट, जो डिफरेंट है वो क्या है?
अमाइनो एसिड्स डिफरेंट है प्रोटीन्स के अंदर. नाउ प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो अगेन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कैसे? फर्स्ट हम बात करते हैं डाई पेप्टाइड की. डाई मीन्स क्या होता है? टू. इफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट ओनली टू, अमाइनो एसिड को मैं डबल ए लिख रही हूं, ये एक अमाइनो एसिड है और ये एक अमाइनो एसिड है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड व्हेन टू अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट. अगर अमाइनो एसिड्स नंबर थ्री हो जाते हैं, वन टू थ्री, तब इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड. ये क्या हो गया बॉन्ड? ट्राइपेप्टाइड. एंड ऑलिगोपेप्टाइड के अंदर व्हेन अप टू 10 अमाइनो एसिड्स, अगर एक प्रोटीन की चेन में 10 अमाइनो एसिड्स रहते हैं अप्रोक्स, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं ऑलिगोपेप्टाइड. प्रोटीन की चेन में ओनली 1, 2, 3 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो इनके बीच के बॉन्ड को बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड. एंड 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं तो बोलते हैं डाइपेप्टाइड. और एक जनरल टर्म है पेप्टाइड बॉन्ड, इट मींस पेप्टाइड बॉन्ड ओनली प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं. अब बात करते हैं प्रोटीन्स की. प्रोटीन्स कितने होते हैं? प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो नेचर में अराउंड 300 अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं. कितने? 300 अमाइनो एसिड्स. लेकिन हमको ओनली 20 और 21 अमाइनो एसिड्स पढ़ने हैं, बिकॉज एक प्रोटीन, एक सिंगल प्रोटीन बनने के लिए 300 अमाइनो एसिड्स की जरूरत नहीं होती है, ओनली 20 प्रोटीन्स की, सॉरी 20 अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है. तो हम आगे ओनली 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में उसके नाम जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को जानेंगे और उसका फंक्शन क्या है वो भी पढ़ेंगे. प्रोटीन्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज कंप्लीट प्रोटीन और सेकेंड है इनकम्प्लीट प्रोटीन. पहले बात करते हैं कंप्लीट प्रोटीन्स की. कंप्लीट प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये क्या होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल? अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है प्रोटीन में इतना तो पता ही है, उसकी बेसिक यूनिट है. प्रोटीन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन से ज्यादा होता है. कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. जो अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन के अंदर वो इसेंशियल भी होते हैं नॉन इसेंशियल भी होते हैं. कैसे? हमारी बॉडी में जो चीज सिंथेसाइज नहीं हो पाती है वो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, बिकॉज वो हमें बाहर से लेनी पड़ेगी. तो सेम जो अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के, अगर हमारी बॉडी में कोई अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होते हैं और वो हमें बाहर से खाने की जरूरत पड़ रही है, लेने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है. तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है. तो इट मींस इसेंशियल प्रोटीन्स नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं. तो नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स हमारी बॉडी बनाती है, इसेंशियल प्रोटीन हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें ऊपर से लेना पड़ता है. एक ऐसा प्रोटीन का मॉलिक्यूल जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स तो है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों टाइप के प्रेजेंट है, ऐसे प्रोटीन्स को बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन. क्यों? क्योंकि अगर आपने कंप्लीट प्रोटीन खाया, एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है मीट, नॉनवेज. जो भी नॉनवेज होता है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो एनिमल प्रोटीन आप इसको बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? एनिमल्स. बिकॉज अगर आप कोई भी एनिमल्स खाते हो तो आपको इनडायरेक्टली प्रोटीन मिलता है. तो ये जो एनिमल प्रोटीन होता है ये कंप्लीट प्रोटीन होता है, बिकॉज इसको खाने के बाद में आपको ऊपर से कोई भी अलग तरह का प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स दोनों प्रेजेंट है, तो आपको बाहर से अलग से डाइट में इंक्लूड नहीं करना है. लेकिन अगर आप इनकम्प्लीट प्रोटीन्स की बात करेंगे तो इनकम्प्लीट प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें लैक फ्यू इसेंशियल अमाइनो एसिड. जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है, हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा, वही अमाइनो एसिड उसके पास में नहीं है इनकम्प्लीट प्रोटीन के पास में. वो कौन से प्रोटीन्स होते हैं? वो होते हैं प्लांट प्रोटीन्स.
जो वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं, बोलते हैं ना, जब अगर आप दूध ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं या कोई प्रोटीन रिच दाल खा रहे हैं, उसके बाद भी आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तब वो बोलते हैं कि आप स्विच करो नॉन वेजिटेरियन फूड्स पे। व्हाई? बिकॉज जो एनिमल्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है, आपको उसमें सारे अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसेंशियल भी है नॉन इसेंशियल भी है। लेकिन इनकम्प्लीट में अगर आप कोई भी प्लांट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें जो प्रोटीन है वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा, जो इसेंशियल जरूरी है हमारी बॉडी के लिए अमाइनो एसिड्स वो आपको नहीं मिलेंगे। तो या तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे या आपको स्विच होना पड़ेगा एनिमल प्रोटीन्स के ऊपर। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि प्रोटीन बायो मॉलिक्यूल है। इसकी क्या इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन, अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे डाइट में, प्रोटीन अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा, वही सब हम पढ़ेंगे फंक्शंस में। तो पहला फंक्शन है हार्मोन। हमने इंसुलिन पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में, जो पैनक्रियास के सेल से रिलीज होता है जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। सपोज हमने प्रोटीन हमारी बॉडी में है ही नहीं, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो इंसुलिन नहीं होगा, बिकॉज एक इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, और ये हार्मोन एक प्रोटीन है। तो आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया और वो कम नहीं होगा क्योंकि उसके पास में प्रोटीन नहीं है इंसुलिन बनाने के लिए। तो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, लिपिड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सेकेंड है डिफेंस। डिफेंस इन द सेंस जो पैथोजेंस होते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस किसी भी रूट से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। जब हम ब्रीथ सांस ले रहे हैं एयर के थ्रू, कुछ स्पॉइल खाना खाया तो उसमें पैथोजेंस हो सकते हैं, या जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसके ब्लड के थ्रू भी, इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं। पैथोजन एक बार एंटर होने के बाद में तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है। वो केमिकल रिलीज इसलिए करती है क्योंकि जो पैथोजेंस आया उनसे वो फाइट कर सके और उसको वो खत्म कर सके। तो जो केमिकल रिलीज करती है उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी प्रोटीन्स है। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो जाएगा। एंटीबॉडीज आपके सिलेबस में, जस्ट एंटीबॉडी आप समझ लो, अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो IgM, IgG ये एग्जाम्पल्स हैं एंटीबॉडी के। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली एंटीबॉडी का नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि जो एंटीबॉडी है वो एग्जैक्टली कौन से बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि लिपिड है कि आगे न्यूक्लिक एसिड है। तो ये क्या होते हैं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। थर्ड है एंजाइम्स। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर बहुत से एंजाइम्स बनते हैं ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर सके और जो भी उसमें यूजफुल चीज है वो हम एब्जॉर्ब कर सके, हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो स्टोर हो सके। तो ये एंजाइम्स जो स्टमक में प्रेजेंट है, हमारी सलाइवा के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो सब एंजाइम्स क्या नेचर होता है उनका, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। फोर्थ बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था, एक सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन क्या बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड्स के साथ में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी लगे होते हैं। ये प्रोटीन्स क्या काम करते हैं, सपोज ये प्रोटीन लगा हुआ है, हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं हॉर्मोन का। ये हॉर्मोन इंसुलिन पैनक्रियास से निकला ग्लूकोज का लेवल कम करने के लिए, ये सेल्स के पास में डायरेक्टली जाएगा। क्या ये सेल एक्सेप्ट कर लेगा इंसुलिन, इसको नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं, रिसेप्टर से इंसुलिन पहले बात करेगा। अगर कॉम्पैटिबिलिटी बनेगी, बिकॉज ये प्रोटीन है ये भी प्रोटीन है तो ये आपस में बात कर पाएंगे, तब जाके कॉम्पैटिबिलिटी बनती है, तब वो सेल मेम्ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि हाँ ये जो केमिकल आया है वो यूजफुल है, हमको ये अंदर चाहिए, तब यहाँ के जो गेट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे और इंसुलिन आगे अंदर चला जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पे भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर्स, और जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं सेल के पास जाने के लिए वो भी प्रोटीन्स होते हैं, समटाइम्स दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं बट यहाँ पर हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं। फाइनल है फिफ्थ, केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर इन द सेंस मैसेंजर जो मैसेज लेके जाता है सेल्स के पास में कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। यहाँ पे जो हार्मोन इंसुलिन है ये एक केमिकल मैसेंजर है, बिकॉज इंसुलिन एक केमिकल है, वो मैसेज पास कर रहा है। क्या मैसेज दे रहा है वो, कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल
कम कर दो। तो यहां पर प्रोटीन का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रोटीन एक बायो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। प्रोटीन बना हुआ है किससे? अमाइनो एसिड की लीनियर अनब्रांच्ड चेन से। ये अमाइनो एसिड्स 300 इन नंबर होते हैं, बट हमको यहाँ पर ओनली 20 पढ़ना है, बिकॉज प्रोटीन को बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स एनफ होते हैं। प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर है, बिकॉज जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं प्रोटीन के अंदर, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स के टाइप देखें तो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट होता है। इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है किसी भी प्रोटीन में तो वो प्रोटीन कंप्लीट है, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर इसेंशियल अमाइनो एसिड अगर उस प्रोटीन में नहीं है तो वो प्रोटीन हो जाएगा इनकम्प्लीट प्रोटीन। जितने भी एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, अगर आप एनिमल्स को अपनी डाइट में लेते हैं तो उसमें जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं, और प्लांट के जो भी प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स में जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो सारे इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स का इतना पार्ट कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड किस तरीके से डिफरेंटली अरेंज होते हैं प्रोटीन के अंदर और प्रोटीन को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और पढ़ेंगे अमाइनो एसिड का डिटेल स्ट्रक्चर।